व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी ज़ेन, यू आर वाचिंग एक्सपीरियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का वीडियो थोड़ा हट के है तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, लेकिन ज़रा हट के है, रोस्ट टाइप है। वीडियो का टाइटल है कि चमचे को चाहिए हनीमून मनाने की आज़ादी। आगे लिखा हुआ है रिजवान एम ए ठग लाइफ। बड़े अरसे बाद रिजवान साहब का कोई वीडियो देखने वाले हैं, बेशक कंपाइलेशन ही क्यों ना हो, लेकिन मज़ा आएगा देख के, क्योंकि इनके जो जवाब होते हैं, सामने वाला जो ओपोनेंट होता है उसको आग लगती है, और वो भी अंदर से। तो बहरहाल ये वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, नई नई चीज़ें हमें ज़रूर सजेस्ट करना, और आई होप सो ये धमाकेदार वीडियो होने वाले। शुरू करते हैं, 3 2 1 एन। जैसे मैं बिहार से हूँ सर, ओके, बिहार से हम हो? लोगों को पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए, हनीमून मनाने के लिए। है? क्या बोला तूने? हनीमून मनाने के लिए। बड़ा हरामी हो बेटा। पढ़ने के लिए सही है भाई। हे प्रभु, इसी लाइटिंग वाला स्पीड ब्रेकर, जगन्नाथ हो प्रेमानंद। अरे स्पीड ब्रेकर नहीं, कवर पे लाइट लगाया भी। ये क्या बगैरती है भाई। हम लोग खेत पर जाया गई आई से नहीं डरेगा। हो गया तेरा, चल निकल आओ। तुम लोगों को भूतों से डर नहीं लगता क्या? अबे दिख नहीं रहा हनुमान जी के भक्त है? सबके सब तो हनुमान जी के ही भक्त हो, जहाँ जाओ साला वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ के भगा देते हैं। आखिर जाए तो जाए कहाँ? तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ। क्यों? वहाँ कौन हनुमान चालीसा पढ़ेगा? कोई नहीं, वहाँ आयतल कुर्सी पढ़ेंगे। यार हमारे पास जिनों की कमी नहीं है, देखा नहीं कितने शोज हैं यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी की। बात तो सही है। अभी तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। हेडफोन लगाए थे भाई, पहले पूछ रहा हूँ। कितने साल मनरेगा का पैसा माफ किया? कितने साल? जोर से, जोर से। कितने साल मनरेगो का कर्जा माफ किया? ये क्या लिखा है मुझे नहीं पता, एक्सप्लेन करना भाई। ये क्या लिखा है कमेंट सेक्शन में? हिजाब पहन के देश को रिप्रेजेंट करूंगी। हिजाब पहन के देश के मंडल जी, तू क्या? जरा ये देखिए, ये तो देखा हुआ है मैंने, फलक की पार्टी की फोटो, पार्टी की देखो शहजाद, पार्टी यहाँ पे जो है ना, हिजाब हिजाब देखो, ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है, ये जुल्फे लहरा रही हैं, ये देखो, ये बहरूपिये हैं। सही बात है, बाज हैं, नौटंकी करते हैं, नौटंकी बाज हैं, जो पार्टी में जाते हैं बिना हिजाब के और दूसरों को ज्ञान देते हैं, हिजाब पहनते हैं और मुसलमानों को भड़काते हैं। एग्जैक्टली, ये नाटकबाज हैं। ये नाटकबाजी करने लगे तो उनके साथ तमीज से बात नहीं करी जाती। म्यूजिक, एग्जैक्टली, हिपोक्रेट है, हिपोक्रेट। क्या मतलब है बावर का हमारे हिंदुस्तान में, उस अक्रांता का? हम तो ये भी कहते हैं कि हमारा जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसके ऊपर से गुलामी के प्रतीक हटने चाहिए। मथुरा में हमारी जो किशन जन्मभूमि है उसके ऊपर भी गुलामी के प्रतीक मिटने चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान आजाद है। आज देश का 100 करोड़ हिंदू स्वाभिमान के साथ खड़ा है, जीना चाहता है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम बन गया एक मुस्लिम राष्ट्र, तो हमारा हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। टेक्निकली बात तो ठीक है, दो कॉपी ने जरिए यही कहा। ओके ओके ओके, तो ये वीडियो था भाई, देखा आपने? और वैसे रिजवान साहब का तो इसमें डग लाइफ का एक ही क्लिप था जो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था। ये आप देखते हैं ना, कुछ मीडिया पे एक्टिविस्ट आके और हिजाब वगैरह करके और दूसरों को बेसिकली इंस्टिगेट कर रही होती हैं। इनकी असलियत ये होती है कि ये स्टूडियो से निकल के और फिर बाहर जाके पार्टी करती हैं, और वहाँ पे ना हिजाब चाहिए इनको ना कुछ, लेकिन बाकी पूरे मुल्क में इन्होंने रोला डाल के रखने।
तो वो तो फिर रिजवान साहब ने क्लासिकल की ना, उसकी उसके उसकी खुद की फ़ोटो जो उसने कहीं अपलोड की होगी इंस्टा वगैरह पे, वो निकाल के दिखाई कि ये तुम्हारी सच्चाई है, यहाँ पे तुम हमें भाषण दे रही हो हिजाब के ऊपर। तो बात तो ये होनी चाहिए जी, जो भी कहते हैं ना हिजाब लाजमी है वो भी गलत है, और जो कहते हैं ना हिजाब नहीं होना चाहिए वो भी गलत है। ये एक ड्रेस कोड है, लड़की की मर्ज़ी पहने लड़की की मर्ज़ी ना पहने, मैं और आप कोई नहीं होते कि पहन या ना पहन, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है ना कि पहनो, और एक्सट्रीम पोजीशन है मैं पहनने नहीं दूंगा, ये दोनों गलत हैं। क्योंकि भाई देखो, जिसने पहनना है उसकी मर्ज़ी है, वो पहनती है नहीं पहनती। मेरे ख्याल में किसी घर के महरम को भी या बाप भाई या शोर को भी हक नहीं होना चाहिए एनफोर्स करे कि पहन, उसकी मर्ज़ी है पहनती है पहने नहीं पहनती ना पहने। और हनीमून वाला क्लिप तो बड़ा ही अजीब था भाई, ये तुम बिहार से हो, तुमको पढ़ाई तालीम के साथ हनीमून चाहिए तो जाओ, किसने रोके। और दो कौमी नज़रिए के ऊपर बात थी, बात सीधी सी है जी। मैं हमेशा जब भी किसी बंदे से मेरी बात होती है ना, वो ये कहते हैं जनाब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है, तो मैं उनको सिंपल ये सवाल पूछता हूँ जी, आप अपनी किताब पाकिस्तान स्टडीज़ की खोल लें, उसमें लिखा हुआ है जी वो दो कौमी ने नज़रिया के मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, इकट्ठी नहीं रह सकती, हत्ता के 1200 साल से इकट्ठी रह रही थी, इकट्ठी नहीं रह सकती और इनके लिए एक अलग वतन की ज़रूरत है और फिर पाकिस्तान बनाया गया। तो जब आपने एक इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया और उसको रखा भी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो फिर जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है वहाँ आप क्यों कहते हो सेकुलरिज्म? वो फिर उनकी मर्ज़ी है ना कि वहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट इलेक्ट करके वो कह सकते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने, तो करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमें क्यों मिर्ची लगती हैं? ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास, इसी में जवाब भी है इसका। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।